जो जेल गया वो आंदोलनकारी है, जेल नहीं गया तो वो आंदोलनकारी नहीं है। हम लोग जेल नहीं गए तो हम लोग आंदोलनकारी नहीं है। जो पहले आंदोलन करते थे वही करेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। मुख्यमंत्री जी का घेराव करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। कल हम ही लोग के बदौलत आप यहाँ झारखंड में सरकार बनाए। सभी झारखंड आंदोलनकारी को समान रूप से पेंशन लागू करे। नमस्कार, न्यूज 22 स्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। लगभग 10,000 आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के मोराबादी के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं। तो सीधा यहाँ के कुछ आंदोलनकारी से जुड़ते हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हम लोग यहाँ 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 1.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहला हम लोग मानव श्रृंखला बना के सांकेतिक आंदोलन किए, फिर धरना प्रदर्शन किए, फिर हमारे आंदोलनकारियों को मान सम्मान, उनका जन्म और मृत्यु का हम लोग शहादत मनाते हुए प्रोग्राम को करते गए, मांग पत्र देते गए, लेकिन अभी तक हम लोग का सरकार बात को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। 1 मार्च को भी हम लोग यानी कि विधानसभा का घेराव किए, उसके बाद भी सरकार हम लोग से वार्ता करने के लिए नहीं बुलाया गया, नहीं किया गया। फिर अभी हम लोग पिछले दिन 3 दिवसीय धरना का आयोजन किए मोराबादी के गांधी मैदान में, गांधी जी के स्टैचू के नीचे, और उसके बाद भी सरकार हम लोग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तब आज हम लोग बाध्य होकर आज हम लोग मुख्यमंत्री जी का घेराव करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। लगभग कितने जिले से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हम लोग 2400 जिला से आंदोलनकारी यहाँ पर आए हुए हैं। कितने लोग अभी तक अभी शामिल है आप लोगों के? अभी यहाँ हम लोग कम से कम 10,000 से ऊपर लोग हम लोग शामिल हैं। और भी यहाँ के कुछ लोगों से बात करते, क्या कुछ रणनीति है अब आगे आप लोगों की? हम लोग की रणनीति रहेगा कि अगर ऐसे सरकार अगर हम लोग को बात नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन पर ऐसे बाध्य हो जाएंगे। और कल झारखंड आंदोलन के लिए अगर उग्र आंदोलन करके झारखंड अलग लिए तो उसी तरह के हम लोग भी उग्र आंदोलन को अख्तियार करेंगे और सरकार को बाध्यता कर देंगे कि हम लोग जो लड़े हैं भिड़े हैं तब आप यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग के लिए भी आप कुछ नहीं अगर सोचिएगा तो कल हम लोग भी आपके लिए कुछ नहीं सोचेंगे। कल हम ही लोग के बदौलत आप यहाँ झारखंड में सरकार बनाए। आप दर्शकों को बता दीजिए क्या क्या मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? बस ये है कि वर्गीकरण बंद करें, जेल को बद्धता को समाप्त करें, सभी झारखंड आंदोलनकारी को समान रूप से पेंशन लागू करें। कुछ कैटेगरी में बांटा गया, 3 कैटेगरी में क्या कैटेगरी है? वो कैटेगरी नहीं चलेगा, कैटेगरी बांट के हम लोग को बांट के है तो पूरे है तो वर्गीकरण कर दिया है। वो है तो जेल जाने के है, तो जेल जो गया है तो अगर जेले चल जाते तो फिर आंदोलन कौन करता और आंदोलन सफल कैसे होता? तो हम लोग आंदोलन छुप छुप के करते थे, जेल जाने नहीं देते थे। जेल थाना अगर जाता था तो उसको पकड़ के ले लाते थे, जेल मुझको FIR होने नहीं देते थे। और आज ऐसे करके झारखंड अलग किए और आज कहते हैं कि जेल जाने के है तो जो जेल गया है वो आंदोलनकारी है, जेल नहीं गया है तो वो आंदोलनकारी नहीं है। तो हम लोग तो अध्यक्ष के रूप में काम करते थे, जिला के प्रभारी के रूप में काम करते थे, हम लोग प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम करते, हम लोग जेल नहीं गए तो हम लोग आंदोलनकारी नहीं है। अगर राज्य सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? जो लोगों को जगाते हुए फिर आंदोलन पर तीव्र हम लोग आंदोलन करना शुरू करेंगे। राज्य सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तब तक आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? हां, तब तक सरकार को बाध्य कर देंगे हम लोग का, वही आंदोलन फिर पुराना आंदोलन शुरू हो जाएगा। कहां से आए हम लोग? का बागमारा। आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा कि अपना ये लोग का भी कुछ ही है, अपना सोच रहा है कि बाद में। पुलिस के द्वारा क्या बोला जा रहा है? बोल रहा ठीक है आप लोग रोक जाइए, हम लोग व्यवस्था ले रहे हैं। पहले तो अपने दर्शकों को दिखा दूं कि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है, इन लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। महिला लोग भी मौजूद हैं, जरूर कुछ महिला से बात करने की, क्या कुछ मांगों को लेकर आए? हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को इज्जत मान सम्मान पेंशन और सुख सुविधा मिलना चाहिए। हम लोग जिसका जिस समय हम लोग लड़ाई करते थे उस समय बहुत औरत का मांग धोआ गया, सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे टूटा होगा, ये उसका भरपाई कौन करेगा? वो हेमंत सोरेन ना करेंगे। हम लोग की तो वही मांग है, हम लोग को इज्जत मान पेंशन मिलना चाहिए, अच्छा आवास चाहिए रहने के लिए। जब तक सरकार नहीं सुनेगी आप लोग यहीं पे रहिएगा? हाँ, हम लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग फिर से हम लोग चक्काजाम करेंगे। हाँ, आप लोग अभी कितने लोग आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम गुमला जिला भरनो प्रखंड से आए हैं।
तो मतलब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोगों के द्वारा चक्का जाम भी किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा, दोबारा चक्का जाम करेंगे। आज हम लोग का मांग नहीं पूरा होगी तो जो पहले आंदोलन करते थे वही करेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। सकते हैं कि लगभग 10,000 आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद है और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकारी सोर कोई पहल नहीं करती है तब तक इन लोगों के द्वारा आंदोलन चलता रहेगा। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।